नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग हम जनवरी और फरवरी में लगा सकते हैं। आने वाले बसंत ऋतु में इनसे अच्छे से हम फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स या विंटर प्लांट है जो कि बसंत के ऋतु में बहुत अच्छे से ब्लूम करते रहते हैं, तो उनकी कटिंग आप अभी इस जनवरी या फरवरी मंथ में लगाते हैं तो आने वाले बसंत में बहुत अच्छे से भर भर के फूल देने वाले हैं। तो कौन कौन से प्लांट डिफरेंस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास है पिटूनिया का प्लांट है और पिटूनिया की कई वैरायटीज़ आती हैं, कलर भी आते हैं डिफरेंट, आपको पेटल्स में और सेडेट में मिल जाएंगे। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनकी कटिंग अभी आप ग्रो कर सकते हो। वैसे भी हैवी ब्लूमिंग कर रहा है लेकिन जैसे कि मार्च अप्रैल में इनकी अगर फ्लावरिंग लेनी है तो अभी इस टाइम पर इनकी कटिंग हम ग्रो कर सकते हैं। वैसे हमारे जो हमारे गार्डनर दोस्त हैं विंटर प्लांट के कलेक्शन में इनको तो ज़रूर ऐड किया होगा, पर अगर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इन्हें ज़रूर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स पिटूनिया की बात बता दूँ, जब भी फूल एक्सपैंड हो जाए तो उनको आप ज़रूर रिमूव कर दें क्योंकि इनमें सीड बनने लगते हैं। अगर सीड बनना शुरू हो जाते हैं तो जो पिटूनिया का प्लांट होता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और अगर हैवी फ्लावरिंग लेनी है तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, यानी जो स्पैंड में फूल है। कटिंग लेने के लिए आपको वहाँ से लेना है, मतलब 3 या 4 इंच की कटिंग तो होनी ही चाहिए जहाँ से नई पत्तियाँ या इस तरीके से स्टेम से निकल रही है। ये यहाँ पे रूटिंग पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके से लेके लगा सकते हैं। लगाने के लिए यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह है इनको हटा देना है ताकि अच्छे से कटिंग आपकी लग सके। और कटिंग लगाने के लिए आपको मैं सॉइल की फ्रेंड्स बात करूँ, देखिए इसमें कलियाँ भी आ रही हैं तो ये फ़िलहाल कलियाँ खिल जाती हैं आगे, क्योंकि गर्मी ना ही गर्मी है, सर्दी तो कड़ाके की ठंड फिलहाल पड़ ही रही है तो कटिंग इजली लग जाती है। यहाँ पे एलोवेरा जेल में ले रही हूँ। और मैं फ्रेंड्स मिट्टी की बात करूँ तो मैं नॉर्मल सॉइल जो गार्डन सॉइल होती वो लेकर लगा सकते हैं। सैंड सॉइल में भी इनको हम ग्रो कर सकते हैं, इसलिए लग जाती है। इसका ड्रेनेज भी अच्छा रखिएगा ताकि हम पानी वगैरह जो ज़्यादा हो जाए वो एक्स्ट्रा निकल जाए, तो ड्रेनेज का विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से हल्के हाथों से कटिंग को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्पोजल जो छोटे छोटे कप्स आते हैं ना चाय वाले, यानी जो कॉफ़ी या चाय के कप आते हैं आपको मिल जाएगी शॉप पे, तो उनमें इन कटिंग्स को लगा के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पिटूनिया वाले टाइम में अभी तो फिलहाल फ्लावरिंग कर ही रहा, लेकिन सर्दियों के बाद भी ये फ्लावरिंग करते हैं बसंत ऋतु में, तो इनको भी आप कटिंग लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा जो है वर्बीना का प्लांट है, तो ये मेरा रेड वाला है। अभी फ्लावर मतलब खिल जाते हैं तो थोड़ा सा ये रेस्ट पे चले जाते हैं। फ्लावरिंग ये तो हमेशा बिल्कुल साल भर देते रहते हैं, बट अभी क्या है ना कि जब इसमें हैवी ब्लूमिंग हो जाती है तो इस तरीके से सीड बनने लगते हैं, तो सीड पॉट को हमें हटा देना क्योंकि हमें इनमें से लेनी है फ्लावरिंग। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो क्या होता है, इसमें फ्लावर खिलना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बर्बीना में। तो कटिंग लगाने के लिए हमें वही 3-4 इंच की कटिंग लेनी है, इस तरीके से सॉफ्ट कटिंग होती है और लग भी जाती है इसलिए, और पत्तियाँ हटा देनी है थोड़ी सी, बिल्कुल पुरानी स्टेम मतलब जो होती है नहीं लेनी है। और यहाँ पे एलोवेरा जेल लेके डिप कर देना है। एलोवेरा जेल एक रूटिंग हॉर्मोन और फंगीसाइड होता है, इससे आपके जो कटिंग होती है जल्दी से ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं वही छोटे से जो कप है उसी में लगा रही हूँ, नॉर्मल सॉइल गार्डन सॉइल है उसी में लगाया हुआ है, ना कि मैंने कोई स्पेशल सॉइल बनाई है। तो इस तरीके से इनकी भी कटिंग हम तैयार कर सकते हैं। ड्रेनेज इसका अच्छा रखिएगा, फिर देखिएगा कितने अच्छे से आपकी कटिंग तैयार होती है। और बर्बीना पूरे साल आपके गार्डन में बने रहते, थोड़ा सा केयर करेंगे तो हमेशा बने ही रहते हैं, तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स ये है लालसा। लालसा की 2-3 वैरायटीज़ आती है, तो मेरे पास ये पर्पल और रेड पिंक में है, तो इनकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं इसलिए छोटी सी कटिंग लेके। और इनकी कटिंग 3 या 4 इंच की होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4 इंच की ले रही हूँ कटिंग। इनकी कटिंग फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से लग जाती है। और मेरे पास इनकी वेरीगेटेड वाली भी वैरायटी है, उनको भी मैं कटिंग से बहुत जल्द लगाऊंगी
इसकी भी वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि उसको भी कटिंग से ही लगाया गया था, तो कटिंग से फिर से मैं लगाना बताऊँगी। तो यहाँ पे जो कुल्हड़ वगैरह आते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे मैंने कटिंग लगा दी इसकी आसानी से। पानी का ध्यान रखना है, बाकी आपकी कटिंग आसानी से ये लग भी जाती है। तो आप जो है लालसा की भी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स है डायंथियस। डायंथियस में भी अच्छे से हैवी ब्लूमिंग हो रही है, तो ये फिलहाल अभी अच्छे से हैवी ब्लूमिंग होने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इनको प्रून किया ताकि और अच्छे से फ्लावरिंग आ सके। तो इनकी भी छोटी से छोटी कटिंग लेके हम लगा सकते हैं, फ्लावरिंग इनसे ले सकते हैं। और अभी खिल रहे हैं, अभी नर्सरी में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के आपको डायंथियस के प्लांट मिल जाएंगे, कलर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तीन इंच की मैंने कटिंग ली हुई है और बहुत ही आसानी से लग जाती है फ्रेंड्स इनकी डायंथियस की कटिंग। देखिए यहाँ पर जो रूटिंग पॉइंट्स होते हैं ये ज़रूर आप क्लियर करिएगा, वो बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर डैमेज रहेगी तो फंगस लगने के चांस रहते हैं और कटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही एलोवेरा जेल लेके कटिंग लगा देना है नॉर्मल गार्डन सॉयल में। आप सैंड सॉयल में भी ग्रो कर सकते हो, लग जाती है इसलिए, तो आप इनको भी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। तो मैं बता दूँ जो जानते होता फ्रेंड, पूरे सर्दी गर्मी बरसात में ऐसा ब्लूम होता रहता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। विंटर की तो बात ही अलग होती है कि विंटर में ये हैवी ब्लूमिंग करता है, लेकिन अभी भी ये कर जाता है। तो आप ज़रूर लगाइएगा कटिंग इनकी, अगर आपको कहीं भी मिल जाती, वैसे आ जाता कटर में तो जाता भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है क्रायसैंथेमम का मैंने लिया हुआ है, और ये फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल इनको सेव करने की टाइम है, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग अभी ख़त्म हो रही है इनका टाइम, बट अभी कुछ नहीं खिले हैं। और अभी हम क्या सोचते हैं, कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं नई कलर नई वैरायटी का। तो इस तरीके से छोटी कटिंग 3-4 इंच की लेकर हम ला के सेव कर सकते हैं अपने गार्डन में, इस तरीके से लगा सकते हैं। ये हैवर वाली वेराइटी है, तो इनको भी हम ला के सेव करके अगले साल इनकी फ्लावरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ फ्रेंड्स है मेरीगोल्ड। अगर फ्लावरिंग की बात हो रही है, अगर मेरीगोल्ड की बात ना करी थी अधूरी सी रह जाएगी वीडियो। यहाँ पे मेरीगोल्ड है, मेरीगोल्ड की भी कटिंग आसानी से लग जाती है। तो आपको कटिंग में बता दूँ फ्रेंड्स, लगभग 3-4 इंच की रहेगी तब भी आसानी से चल जाती है। और मेरीगोल्ड की जो कटिंग होती है यानी गेंदे के फ्रेंड्स, वो अगर हम कटिंग से लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी अच्छा असर मिलता है। कोई भी वैरायटी का हो, देसी हो, हाइब्रिड हो, मिनिएचर हो, या फिर चाफरी गेंदा हो, बड़े बड़े पीले और ऑरेंज में भी आते हैं, इन सब के हम कटिंग कर लगाते हैं तो जब फ्लावरिंग मिल जाती है। सीड में थोड़ा सा टाइम लगता है उनको प्रॉपर तैयार होने में। तो आप इनकी कटिंग देखिए इस तरीके से लेके 3-4 इंच की है। एक्स्ट्रा लीव्स जो हैं उनको आप रिमूव कर दें, उसके बाद आप जो गार्डन सॉयल हो या फिर आप उसी गमले में भी लगा देंगे ना, तो इजीली लग जाती है। मैंने कई वीडियो शेयर करी है मेरीगोल्ड की लगाने की, और मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स कटिंग से ही तैयार करती हूँ, क्योंकि बीज हमारे यहाँ पे अगर डाल देते तो गिलहरियाँ खा लेती हैं या फिर बंदर खा लेते, तो मुझे कहीं भी आस पास कटिंग मिल जाती है आस पड़ोस में, तो वहाँ पर हम ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स प्लांट है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है रोज़ का प्लांट। तो ये इंग्लिश रोज़ है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मतलब इनकी कटिंग लग जाती है, मैंने तैयार भी करी है कटिंग। फ्लावरिंग की बात नहीं कर सकते कौन सा कलर इसमें आता है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया हुआ है, और इसमें एलोवेरा जेल आपको पता ही होता है कितना अच्छा रूटिंग हार्मोन्स होता है। तो सैंड सॉइल में यहाँ पे मैंने जो गार्डन की नॉर्मल सॉइल होती है उसमें मैं लगा रही हूँ इनकी कटिंग। तो आप इस तरीके से इनके भी कटिंग जो इंग्लिश रोज है या कोई भी रोज़ का प्लांट हो उनकी कटिंग लगा सकते हैं इसलिए इस सीजन में। और यहाँ नेक्स्ट फ्रेंड्स बता दूँ हमारा ये है क्लांचो का प्लांट, जो हाइब्रिड वाले क्लांचो होते हैं नहीं वो वाले हैं। और यहाँ पे मैंने कटिंग से फिलहाल लगाई हुई, तो मैं दिखा दूँ इनकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है, सिंगल लीव्स भी ये ग्रो हो जाते हैं। देखिए इसमें हल्की सी मतलब रूट आ रही है, बाकी मैंने आप जो देख रहे हो ये कटिंग से ही लगे हुए हैं। तो इनको भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं कटिंग से तो बिल्कुल बेझिझक बेझिझक लगा सकते हैं, अच्छे से आपको 3-4 महीने फ्लावरिंग देते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कोलियस का प्लांट है, तो इनको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे मतलब इतनी 5-6 वैरायटी की मैंने कोलियस लगाई हुई है और कितने अच्छे से चल रही है। तो आप इनको भी अगर ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्रेंड्स लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा साल्विया का प्लांट है। साल्विया फ्रेंड्स ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इनके कलर में बता दूँ रेड पिंक और पर्पल में वाइट में भी आते हैं। तो अगर आपके पास है तो इनको भी हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं, आने वाले 3-4 महीनों में इनकी फ्लावरिंग हम ले सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स
नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा एस्टर का प्लांट है और ये भी पिंक पर्पल और वाइट में आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनकी हाइब्रिड देसी वैरायटी भी आती है, टॉप वैरायटी भी आती है और कटिंग्स ईजली लग जाते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो छोटी सी कटिंग स्टेम लेके आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिलहाल ये सीड से लगते हैं लेकिन कटिंग से अगर लगाने की बात करूँ तो कटिंग से भी ये ग्रो हो जाते हैं, तो आप इनको कटिंग से भी ज़रूर लगाइएगा। सो फ्रेंड आज की थी हमारी वीडियो, अगर आप लोगों को ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लान, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।